कुतकर्णी सेना मूल के बैनर तले नागदा तहसील के ग्राम इटावा में मंदिर के बाउंड्री वॉल को लेकर कुछ लोगों के कब्जे से परेशान ग्रामवासियों ने उज्जैन कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि गांव वालों ने इटावा निवासी विशेष समाज पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा मंदिर की जगह पर जबरन कब्जा कर लिया गया है और अब गंदगी फैलाई जा रही है, साथ ही साथ उक्त जगह पर मंदिर का कार्य करने से भी रोका जा रहा है। ग्रामवासी का कहना है कि विशेष समाज के एक परिवार के द्वारा मंदिर की जगह पर गंदगी कर मंदिर निर्माण में अवरोध पैदा कर रहे हैं। गांव के समस्त समाज के लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन वो मंदिर का काम नहीं होने दे रहे हैं। गांव के सर्व समाज जन की सम्मति से मंदिर की स्वच्छता एवं सुरक्षा के बाउंड्री वॉल का निर्माण आवश्यक है। ग्रामवासी किसी प्रकार का झगड़ा नहीं चाहते हैं, इसके लिए ग्राम पंचायत ने भी सहयोग किया है। ग्रामवासी उक्त जमीन पर कोई कब्जा नहीं चाहते हैं। उक्त व्यक्ति द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है और कतिपय लोगों के कारण मंदिर का काम नहीं हो पा रहा है। ग्रामवासियों का कहना है कि यदि प्रशासन ने काम शुरू नहीं करवाया तो हिंदू परिषद व करणी सेना मूल द्वारा मामले में हस्तक्षेप कर काम करवाया जाएगा। के लिए आए हैं साहब, हनुमान जी के मंदिर के लिए आए हैं, वहाँ मंदिर की बाउंड्री बनाना चाहते हैं सारे गाँव वाले लोग, और वो जो भिंजी पिता नग्गा और भमर पिता भिंजी और चुनीलाल पिता भमर, ये वहाँ बाउंड्री बनाने नहीं देते हैं। वहाँ भिसटवाड़ा ज़्यादा है, शराब पीते हैं लोग और गाय भैंस बकरी बांधते हैं, इसलिए सारे गांव के लोगों ने चंदा करके बाउंड्री बना रहे हैं। किस तरह का विरोध करते हैं? ये छुआछूत का मामला, और छुआछूत वहाँ है ही नहीं साहब। अभी आप सभी जाति के लोग इसका इसीलिए हम सभी लोग मिल के यहाँ विज्ञापन देने आए हैं, और वहाँ कोई विरोधी नहीं है। विषय है वहाँ पर है कि हनुमान मंदिर है, वहाँ पर ये लोग जो ग्रामीण लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये सभी जाति और सर्व जाति के लोग हैं। ये लोग वहाँ पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कराना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ दो तीन लोग हैं परिवार के, वो लोग इस पर आपत्ति ले रहे हैं कि ये यहाँ पर हम निर्माण नहीं करने देना चाहते। और इसके विषय में 4-5 दिन पहले यहाँ पर उज्जैन में कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया गया है, और इस विषय को कहीं ना कहीं जातिगत रूप दे के और इस पर जातिवाद फैलाया जा रहा है, और ये विषय हमारे पास में करणी सेना के पास में आया था, तो हम लोग इनके साथ में यहाँ मदद के लिए यहाँ पर आए हैं, और सभी गांव के लोग सभी जातियों के लोग हैं, ये चाहते हैं कि वहाँ पर मंदिर के पास में बाउंड्री वॉल का निर्माण हो। अगर नहीं हो पाता है तो किस तरह का विरोध रहेगा? हमने आज यहाँ पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है इनके माध्यम से, और आगे अगर कोई भी परेशानी आती है तो कानूनी रूप से भी हम इनके साथ में हैं, और अगर कोई ऐसा विषय आता है तो करणी सेना और हिंदू संगठन जो भी हैं वो लोग, हम सब लोग इनके साथ में खड़े हुए हैं, और वहाँ पर मंदिर के जो बाउंड्री वॉल है उसके निर्माण में हम लोग साथ देंगे।